हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी अब थमती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान कुमारी सेल्जा को सौंपी गई है, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव की बागडोर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में किन वादों के साथ जाएंगे, उनसे हमारे सहयोगी अजय झा ने बात की। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया कि चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी हुड्डा जी के ऊपर होगी। किस तरह का फैसला आप देखते हैं? एक तरफ कुमारी सेल्जा जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और आपको चुनाव जिता के लाने की जिम्मेदारी। देखिए, सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार में हैं और अब जो फैसला हुआ है उसको खुद प्रभारी भी मानते हैं कि कुछ देरी से आया हुआ फैसला है। ऐसे में कम समय में इतनी बड़ी चुनौती, क्या स्ट्रैटेजी होगी? हम तो 5 साल से लगे हुए सरकार का विफलताएं उजागर करने के लिए और देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब भी फैसला हो जाता है तो बाद में इकट्ठा होकर पूरा प्रयास करना चाहिए। आज गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि 10 साल आपके जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल रहे और उस दौरान जो सरकार ने काम किया उन उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पे किन 2-4 चीज़ें जिनको आप मानते हैं कि हरियाणा में इस बार सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा? देखिए, हरियाणा में हमारी सरकार आने से पहले 2005 से बिजली एक मुद्दा होता था और बिजली पे सरकारें बनती थी गिरती थी, क्योंकि थर्मल प्लांट नहीं थे, बिजली की जनरेशन नहीं थी। हमने 4 नए थर्मल प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट वहाँ लगाया, तो बिजली आज इतनी हरियाणा में हम पूरा 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 साल पहले लोग मुझे अनाड़ी कहते थे, अब तो मैं खिलाड़ी हो गया हूँ। मतलब लगातार चुनाव प्रचार में इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो खट्टर सरकार 5 सालों की रही, चाहे कानून व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था की स्थिति, गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, किस तरह से थे? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है और मुख्यमंत्री खिलाड़ी हो गए हैं तो मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री खिलाड़ी हैं तो वो ये मजे हुए खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं जो हुड्डा सरकार जो जब ये मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो कामकाज हुआ उसको जनता के बीच एक बार फिर से लेके जाएंगे। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।